नमस्कार जी, मैं गोविंद। नमस्कार जी, मैं ज्योति। और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिराज गोविंद ब्लॉग में। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, एंड हम लोग भी ठीक हैं। और आज दोस्तों हम लोग शूट कर रहे हैं लव स्टोरी पार्ट 6, जो कि पार्ट 5 में आप लोगों ने जाना कि हम लोग घर छोड़ के जब मतलब घर से भागे और भाग के शादी किए, वहां तक की कहानी आप लोगों ने जाना। और क्या हो गया भाई। और दोस्तों, इस ब्लॉग में हम आप लोगों को बताएंगे कि जैसे कि हम लोग शादी करने के बाद कुछ मतलब और दोस्तों, अति हम नहीं बोलते ना दोस्तों, हमको याद नहीं रहता है इतना और समझ भी नहीं आता है कि हम कैसे बोले, इसीलिए हम चुपचाप कैसे बोले, मुंह से बोलो। और इस ब्लॉग में दोस्तों हम लोग बताएंगे कि हम लोगों के साथ एक वो हो गया था, घटना हो गया था, हम लोग जेल भी जा सकते थे। तो आखिर वो क्या घटना हुई थी आप लोगों को इस ब्लॉग में बताएंगे। और ब्लॉग को मतलब शुरू से एंड तक देखिएगा, तभी जाके अच्छे से समझ पाइएगा और मज़ा भी आएगा सुनने में। हम लोगों की तो हालत पतली हो गई थी उस समय। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम लोग शादी किए मंदिर में, पूरे अच्छे से पंडित जी के साथ में, मतलब पंडित जी थे, शादी करवाए। और उसके बाद शादी करने के बाद दोस्तों हम लोग पहुंचे रूम पे, जो कि हमारे फ्रेंड लोग थे, वो एक रूम मतलब आप लोगों से पिछले ब्लॉग में बताए थे, एक रूम व्यवस्था करके दिलाए थे हम लोगों को। बाकी वहां पे हम लोग जाके रहने लगे। और हम लोग दूसरे या तीसरे दिन शायद घूमने गए थे, क्या ज्योति? वहाँ का एक पिक्चर है आप लोगों को दिखाएंगे हम। तो हमने पहली बार वहाँ के होटल में हम दोनों एक साथ गए लोग, और ज्योति को मिठाई खिलाए अपने हाथों से हमसे शादी करने की खुशी में। और फिर थोड़ा बहुत शॉपिंग किए लोग और आ गए अपने रूम पे, खाना पीना बनाए लोग। बाकी बर्तन, गैस, चूल्हा, सब चीज़ व्यवस्था वही लोग करवाए थे। और काफ़ी गर्मी का मौसम था उस समय, मई का महीना था और काफ़ी गर्मी हो रहा था वहाँ पे। तो ज्योति एक पंखा खरीद के लाए थे, ज्योति की वही लोग दिए थे, वही लोग शायद दिए थे, एक हाथ वाला पंखा था। तो ज्योति रात को ऐसे सो के, सो भी जाती थी ना दोस्तों, तो ऐसे क्या करती थी, हाथ उठा के ऐसे ही लाते रहती थी। फिर हमारे दो जो फ्रेंड लोग थे वो आए, देखे कि भाई गर्मी से हम लोग परेशान हो रहे हैं लोग, तो सब लोग थोड़ा 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 पैसा इकट्ठा करके क्या देती, और एक स्टैंड फैन खरीद के हम लोगों को दिए। और बाकी छोटा वाला नहीं, बड़ा वाला। हाँ, बड़ा वाला जो उस समय पास नहीं रहता, शादी विवाह में जो नहीं लगाते हैं लोग, वही वाला था, काफी तेज चलता था। और दोस्तों एक चीज था उन लोगों में कि जो भी हमारे रूम पे आते थे लोग ना, वो पूरा दोनों हाथ में थैला भर के आते थे लोग, कोई कुछ ना कुछ, कोई तेल, हाँ, कोई मसाला तो कोई सब्जी तो कोई चावल तो कोई मतलब बहुत ही सपोर्ट मिला हमारे फ्रेंड लोगों से। और मतलब थोड़ा सा जो होता है ना कि घर छोड़ने के बाद बहुत ही ज्यादा परेशानी होती है, या फिर तो उस परेशानी को उन लोगों के कारण थोड़ा सा कम महसूस कर पाते थे हम लोग। और दोस्तों उन लोगों से काफ़ी सारा प्यार मिला, तो शायद अभी सामने से तो थैंक्स नहीं बोल सकते, बट वीडियो के माध्यम से उन लोग सभी लोगों, मतलब एक दो दोस्त हैं जो जिनसे अभी भी बात होता है, बाकी लगभग 12-14 दोस्त थे लोग, मतलब दोस्त के दोस्त। तो अगर हमारे वीडियो देखते होंगे तो उन सभी को हम लोगों के तरफ से तहे दिल से धन्यवाद कि उन लोगों ने हमें इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया। और दोस्तों अब आते हैं हम लोग मेन टॉपिक पे कि हम लोगों के साथ हुआ क्या था। तो हम लोगों के रूम के बगल में मतलब काफ़ी सारा रूम था दोस्तों, वहाँ पे नीचे भी था और सेकेंड फ्लोर पर भी था। तो हम लोग सेकेंड फ्लोर पर थे और हम लोगों के बगल में, जैसे रूम पार्टनर कह सकते हैं, वहाँ पे एक लड़की रहती थी जो कि आर्केस्ट्रा में डांस करती थी। तो वो हम लोगों के रूम में हमको जीजू और इसको दीदी बोलती थी, मतलब अच्छी थी क्या ज्योति, मतलब एकदम साफ सुथरा दिल की थी और अपने दीदी जीजा के साथ रहती थी। हाँ, और उसके मतलब दिल में कल छपट नाम का कोई चीज नहीं था। हम लोगों से मतलब उतने ही दिन में पूरा अच्छे से घुल मिल गई थी। दिन में कई बार रूम पे आती थी या फिर ज्योति को भी अपने रूम पे बुला के ले जाके बैठाती थी। उसकी दीदी नहीं थी, नहीं तो उसकी दीदी गुस्सा थी। हाँ, वो लोग चले गए थे लोग कोलकाता का। कहाँ चले?
हाँ वो लोग कोलकाता चले गए थे लोग कुछ, वो जानते हैं ना ऑर्केस्ट्रा का काम सबसे ज्यादा वहीं से होता है कोलकाता से, तो वो लोग वहां पे चले गए थे लोग। बाकी ये रूम पे अकेली थी तो वो मतलब अच्छी थी हाँ बेचारी वो दीदी। इतना चंचल थी ना दोस्तों कि बार बार मतलब वो क्या बोलते हैं, कभी लहंगा पहन के चली आती थी, मतलब अपना जो भी डांस का ड्रेस होता था ना वो पहन के चली आती थी और ऐसे गाना दिखाने आना दिखाने चली आती थी बहुत आएगा अभी जो थी गाना थोड़ा बाबू को वो मच्छरदानी ठीक करने गई थी और आके अभी इसीलिए थोड़ा सा ब्रेक कर दिए चलो। और फिर दोस्तों मतलब कि वो रूम पे ऐसे ही आने जाने लगी, और बाकी उसका जो भाई और जीजा। अच्छा जीजा और दीदी, अच्छा हाँ जीजा और दीदी जो थे ना वो एक आदमी रखे थे लोग उसके देख रेख के लिए, कि तो भाग भागने ना और फिर वो मतलब एक दिन क्या हुआ कि वो हम लोग के रूम पे आई नहीं, वो दिल काफी की इतना साफ थी ना दोस्तों, सब कुछ शेयर करती थी कि मेरा भाई जीजा मार जीजा था कि भाई था, इसे वो याद नहीं है दोस्तों के लिए कि मारते हैं लोग इधर उधर, मतलब ऐसे सब बता रही थी, बोल रही थी कि हम भाग जाएंगे छोड़ के इन लोगों को, नहीं है लो तभी भाग जाएंगे क्या ना। और एक दिन आके हम लोग रूम पे बैठी थी, बाकी वहाँ पे मस्ती मजाक थोड़ा सा चल रहा था हम लोगों के बीच में, तब तक उसका जो देख रेख में था ना वो आया और आके देख लिया उसको हम लोगों के रूम पे बैठे हुए, तो उसको मारा डांटा, मारा भी था ना जो थी, जाने हाँ रो तो रही थी मतलब मारा डांटा उसको और मार डांट के और वहाँ से चला गया। फिर क्या हुआ कि वो हम लोग तो अपने रूम में हम लोग भी चुपचाप कुछ बोले नहीं उन लोगों के बीच में और हम लोग अपना खाना पीना खा के सो गए लोग। तब ठीक सुबह रात में, उसके रात में दोस्तों एक आदमी आ गए, आके लगे हाँ वो लोग चिल्लाने दारू पी लिया था ना, दारू वारू पी के और पूरा और आके बोले थे कि ये लोग को पकड़वाएंगे, पुलिस के पास फोन कर रहे थे लेकिन इनके दोस्त लोग थे तो रोक लिए लोग। और पूरा हम लोगों का और पूरा जिस दिन एक दिन पहले मतलब आज आज है और कल हम लोग निकलने वाले थे वहाँ से, तो फिर क्या हुआ वो लड़कियाँ का कि ना दोस्तों उसी रात को घर छोड़ के चली गई कहीं क्या ना, अब पता ना कहाँ गई कहाँ ना, हम लोग वहीं पे थे लोग। अब क्या हुआ कि सब वो लोग समझने लगे कि ये लोग भगा दिए उसका। हम ही लोगों पे शक गया। और हम लोग सुबह में जब अपना बैग वग रेडी करके जब हम लोग निकलने वाले थे, और जानते हैं दोस्तों एक चीज और था, रात में वो लोग शराब पी के जब पहुंचे थे लोग ना, हमारा पूरा शराब कहाँ पिया था लोग, झूठों के नहीं पिया ये था आदमी लोग, कहाँ शराब पिया था लोग। फिर भी मतलब ऐसे बोल रहा था लोग, चिल्ला रहा था लोग, हल्ला गुली कर रहा था लोग, और हम लोगों का पूरा बायोडाटा वो निकलवा लिया था लोग कि हम लोग कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या किए हैं। और फिर सुबह जब हम लोग निकलने वाले थे तब तक हम लोगों के दरवाजे पे वो लोग पहुंच गए और बोले कि मतलब उस समय हम लोगों को मालूम चला कि वो भाग गई घर छोड़ के, और हम लोगों को वो लोग बोले कि जब तक वो लड़की मिलेगी नहीं तब तक तुम लोगों को यहाँ से जाना नहीं है। फिर हम मतलब एक मेरा दोस्त था जो कि रात भर हम लोगों के साथ में रहा था जो थी, हम लोग थोड़ा सा डर गए थे कि रात में भाई अकेले हैं हम लोग, हो सकता है कि वो गुस्सा आया है 10-12 लोगों को लेके चला है रूम पे, तो इसीलिए हम लोग अपने दोस्त से बोले, तो एक मेरा दोस्त आके हमारे साथ में रात भर रुका था, हम ही लोगों के बगल में सोया और सुबह था। हम लोग 4 बजे वहां से निकल गए। हाँ सुबह निकलने के बाद हम लोग आके बस जहाँ मिलती हम लोगों को वहां पे खड़े थे लोग, तब तक वहीं पे वो आ गए वहाँ आदमी, भी पहुँच गए वो लोग और वहाँ बोले भी कि कहाँ जा रहे हो तुम लोग, कि तुम लोग को जब तक वो लड़की मिलेगी नहीं तब तक जाना नहीं है। हम लोग डर गए, वो बोला कि तुम लोग यहीं पर हो तब तक हम आ रहे हैं, वो कहा कि इनके दोस्त कि हम लोग को आना था दूसरे बस से बैठा दिए पटना वाला बस पे, खुद भी आए बेचारे। मतलब वो सोचे ना कि भाई अगर हम लोग जिस बस स्टैंड में खड़े हैं, हम लोग सिवान के बस स्टैंड में खड़े थे, वहां से अगर सिवान के लिए गाड़ी पकड़ेंगे तो हो सकता है कि रास्ते में ये लोग रोक के कुछ करें, इसीलिए हम लोग डायरेक्ट पटना वाली बस पकड़े और फिर पटना बीच रास्ते में रुक के और वहां से सिवान के लिए बस पकड़ के हम लोग सिवान चले आए। बाकी मेरे जो फ्रेंड थे
मतलब जो दोस्त हमारे वो साथ छोड़े में। नहीं दोस्तों क्योंकि हम लोग आधे सोचे कि हम रहेंगे साथ में तो हैंडल कर लेंगे, हाँ, अकेले डर जाएंगे लोग। तो हम लोग आधे रास्ते से उनको बोल रहे थे कि आप चले जाइए यहाँ से, हम लोग चले जाएंगे, बट दोस्त हो तो उनके जैसा क्या जल्दी नहीं छोड़ के गए, छोड़े नहीं, बोले कि ना यहाँ पे भी आए तो सब कोई बहुत ज्यादा डांटे लोग दोस्तों उनका। यहाँ पे भी आने के बाद थोड़ा सा उनको किया गया लेकिन बहुत बहुत बर्दाश्त भी किए का ज्योति हम लोग खातिर, और फिर भी दोस्तों वो किसी को कुछ नहीं बोले, सब कुछ सह लिए हम लोगों के लिए का ज्योति। और फिर एक दिन हम लोगों के साथ में रुके यहाँ पे, और अगले दिन वो यहाँ से चले गए क्योंकि उनको भी काम था और घर वालों से बता के नहीं आए थे। फिर उसके बाद यहाँ पे दोस्तों हमारी फैमिली भी पूरी फैमिली इकट्ठा हुई थी, और उसके बाद तो पूछिए मत कि क्या हुआ था क्या ज्योति। और दोस्तों हमारे साथ तो पूछिए मत कि क्या हुआ, पूरा ये रूम में पूरा अच्छा। लोग के लोग हो गया दोस्तों उसके बाद की कहानी अब आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में बताएंगे, इस ब्लॉग को रहने देते हैं यहीं तक, आशा करते हैं कि ये। और दोस्तों हम लोग पूरा क्लियर नहीं बताते हैं हर एक चीज, अपना जो हम लोग के साथ बीतता है वही बता रहे लो, अपने मम्मी पापा क्या किए लो, मम्मी पापा कैसे हम लोग साथ मने रहे किए, वो सब हम लोग नहीं शेयर करते, का जरूरी है हम लोग के बीच में लाना, गलत है कि सही है, इसी वजह से हम लोग के बीच जो हुआ है वो आप लोग से बताते हैं का ना। चलिए इस ब्लॉग को रहने देते हैं यहीं तक, आशा करते हैं कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो प्लीज हमारे चैनल को अपने प्यारे प्यारे हाथों से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप लोगों ने हमारा वीडियो यहाँ तक देखा इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और दोस्तों जल्दी 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 तनी हमारा वीडियो देख देख के भगा दीजिए, मोनेटाइज हो जाएगा। और बाकी दोस्तों आप सभी ने इतना सारा प्यार और आशीर्वाद दिया उसके लिए और आप कमेंट भर भर के कीजिए इसको बड़ा मजा आता है कमेंट पढ़ने में और उसका रिप्लाई तो दोस्तों एक बात और कि मतलब कुछ लोगों का रिप्लाई हम लोग देर से देते हैं क्योंकि हमको जो समझ में नहीं आता है ये आते हैं तो। हाँ बाकी दोस्तों मैं जब रात को लौटता हूँ ना तो बाकी सबको हम लोग कोशिश करते हैं, कोशिश क्या मतलब 100% सबको रिप्लाई देते हैं लोग, हमें अच्छा लगता है क्योंकि बहुत इंतजार किए हम लोग इस चीज का। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद जय हिंद।